नाउ एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ मीन्स गॉस लॉ यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होगी वो फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर. मीन्स एक वायर है जो इनफाइनाइट लॉन्ग है, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है. अब वायर है तो वायर को लेंथ होगी, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कौन सी डेंसिटी कंसिडर करेंगे, लैम्बडा मीन्स लीनियर चार्ज डेंसिटी. उसके 1 मीटर में कितना चार्ज होगा, लैम्बडा जितना चार्ज होगा 1 मीटर लेंथ में, राइट. अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, तो आउटवर्ड. तो समझो यहां फाइन कर दो ऐसे आउटवर्ड, यहां फाइन कर दो ऐसे आउटवर्ड, यहां फाइन कर दो ऐसे आउटवर्ड, उससे अलग अलग डिरेक्शन में, ऐसे वायर से अलग अलग डिरेक्शन में, ऐसे आउटवर्ड डिरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट. तो हमें समझो कि आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइन करनी है. तो हमें इसमें गॉस लॉ यूज करना है. गॉस लॉ किसके लिए वैलिड है, क्लोज सरफेस के लिए. तो यहां पर कोई क्लोज सरफेस होनी चाहिए. तो एक क्लोज सरफेस कंसिडर करते हैं, और ऐसी सरफेस कंसिडर करते हैं जिसके लिए उसके सराउंडिंग में सेम ये जो आर डिस्टेंस पर पॉइंट्स है वो सारे इंक्लूड हो. तो यहां पर एक सिलिंड्रिकल पार्ट कंसिडर करो, एक सिलेंडर कंसिडर करो ऐसा. एज्यूम कर लो कि सिलेंडर की लेंथ है एल, राइट. नाउ ये क्लोज सरफेस हमें मिल गई, ऐसे सिलिंड्रिकल सरफेस हमने कंसिडर की. नाउ गॉस लॉ यूज करते हैं और इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स फाइंड करते हैं, राइट. बट उससे पहले दो फॉर्मूला से हम फ्लक्स फाइंड करेंगे. पहला जो हमारा सिंपल फॉर्मूला है फ्लक्स फाइ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, इससे हम फ्लक्स फाइंड करेंगे. तो यहां पर कितनी सरफेस है, तो यहां पर 3 सरफेस है. ये टॉप सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस है ऊपर की टॉप सरफेस, ये बॉटम सरफेस, और ये कर्व्ड सरफेस ऐसी सराउंडिंग में ऐसी इस टाइप की. इन तीनों सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स फाइंड करते हैं. तो पहले टोटल फ्लक्स कितना होगा इसके साथ एसोसिएटेड, तो फ्लक्स विथ टॉप सरफेस, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ बॉटम सरफेस, एंड फ्लक्स एसोसिएटेड विथ कर्व्ड सरफेस. तो टॉप सरफेस के लिए ये फॉर्मूला लिखे, तो ई डॉट डी एस मीन्स ई डी एस कॉस थीटा लिखेंगे, ई डॉट डी एस कॉस थीटा. यहां एक स्मॉल पोर्शन कंसिडर करो, उसका एरिया इस डिरेक्शन में होगा डी एस. अब आप देखो तो प्लस चार्जिस है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डिरेक्शन में होगी, मीन्स ऐसे होगी ये डिरेक्शन में, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड. तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस दोनों परपेंडिकुलर है, तो ई डी एस कॉस क्या होगा 90. बॉटम सरफेस के लिए देखो तो बॉटम सरफेस पर स्मॉल पार्ट कंसिडर करो, उसका एरिया डी एस लो, उसको परपेंडिकुलर डिरेक्शन में. यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्जिस है इसलिए आउटवर्ड मीन्स ऐसे होगी. तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस दोनों परपेंडिकुलर है, तो यहां पर भी ई डी एस कॉस 90 होगा. थर्ड कर्व सरफेस के लिए फाइंड करो, तो यहां पर एक स्मॉल पोर्शन कंसिडर करो, इसका एरिया डी एस ये डिरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आउटवर्ड डिरेक्शन में ऐसे होगी, प्लस चार्ज इसलिए आउटवर्ड डिरेक्शन में. आप ये पोर्शन कहीं पर भी कंसिडर करो, यहां कंसिडर करो तो भी ये चार्ज की वजह से आउटवर्ड डिरेक्शन ऐसे ही आएगी. इसका मीनिंग हर पोर्शन में डीएस और ई के बीच का एंगल क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों सेम डिरेक्शन में आएंगे कहीं पर भी आप फाइंड करोगे इस कर्व सरफेस पर, बराबर. तो उसके लिए ई डी एस कॉस 0 होगा. नाउ कॉस 90 कितना होता है, 0, कॉस 90 0, तो ये टर्म भी 0. इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0. अब यहां पर देखो ई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप देखो ये वायर से इस कर्व सरफेस का कोई भी पार्ट लोगे तो उसका डिस्टेंस सेम होगा, और कितना होगा, आर जितना ही होगा. आप यहां पर कोई भी पोर्शन कंसिडर करो तो वायर से उसका डिस्टेंस पोर्शन का कितना होगा, आर. तो इसका मीनिंग डिस्टेंस चार्ज से सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पर सब जगह क्या होगी, सेम. मीन्स यहां पर कोई भी पोर्शन लोगे तो हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम. इसका मीनिंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कॉन्स्टेंट. तो कॉन्स्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएस का, और कॉस 0 क्या होता है, 1. डीएस मीन्स स्मॉल पोर्शन का एरिया, और उसका इंटीग्रेशन मीन्स ये पूरे पोर्शन के स्मॉल ऐसे सारे स्मॉल पोर्शन को इंटीग्रेट करोगे, कंबाइन करोगे सरफेस एरिया को, तो ये पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा. और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है,
टू पाई आर एल होता है, कितना होता है टू पाई आर एल, जिसमें सिलेंडर की रेडियस आर है, राइट, ये आर ही होगा उसकी रेडियस, और उसकी लेंथ कितनी है एल, इसलिए क्या आंसर लिखा मैंने टू पाई आर एल। तो इतना सबको क्लियर हुआ होगा। नाउ ये पहली मेथड से हमने फ्लक्स फाइंड किया, फ्लक्स एसोसिएटेड विद द दिस सिलिंड्रिकल लूप। नाउ बाय यूजिंग गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अब फाइंड करते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा क्यू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो कितने चार्ज इसके अंदर है एनक्लोज हुए इस सिलेंडर के अंदर, तो सिलेंडर के अंदर यहां से लेकर यहां तक का वायर है, तो इतने वायर में जितने चार्ज होंगे उतने इसके अंदर गए, बराबर। सिलेंडर पर वन मीटर में कितने चार्ज है लैम्बडा, तो कितना मीटर वायर अंदर गया एल, तो एल मीटर पर कितने चार्ज होंगे लैम्बडा इंटू एल, तो कितने चार्ज एनक्लोज हुए अंदर लैम्बडा इंटू एल, वन मीटर में लैम्बडा चार्ज है और कितना वायर अंदर गया एल लेंथ का वायर अंदर गया, तो अंदर सिलेंडर के अंदर कितने चार्ज गए लैम्बडा इंटू एल, तो लैम्बडा इंटू एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा दूसरा फ्लक्स का फॉर्मूला गया। अब इन दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर वन एंड टू, तो क्या होगा ई इंटू टू पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्बडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, सो ई इज इक्वल टू एल एल कैंसल लैम्बडा डिवाइड बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं। और डायरेक्शन क्या होगी, तो वायर से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, इसलिए वेक्टर फॉर्म में लिखो तो आर कैप ऐसा लिख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज हो ये वायर है, पॉजिटिव चार्ज हो तो ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन लेनी है, और नेगेटिव चार्ज हो तो रेडियली इनवर्ड लेनी है, डायरेक्शन प्लस माइनस से ही डिसाइड होगी, राइट। अब इस फॉर्मूला को आप के टर्म में याद रखो तो ज्यादा इजी रहेगा, तो इसको एक काम करते हैं, टू से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और टू से नीचे डिवाइड करते हैं, तो टू टू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिख सकता हूं, तो ये क्या हो गया वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट मींस के, सो टू के लैम्बडा बाय आर ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट लॉन्ग वायर, वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी टू के लैम्बडा बाय आर होगी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और ये थियरी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट।